नमस्कार। पुल का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं डॉक्टर वंदना। आज हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाने चाहिए, यदि हाँ तो कौन से फ्रूट्स, कितनी मात्रा में, कब और कैसे खाना चाहिए, और साथ ही साथ फ्रूट्स ना खाने से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हें रेगुलर लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही साथ ये स्किन और हेयर्स के लिए भी अच्छे होते हैं, इसलिए डेली 3-4 सर्विंग फ्रूट्स लेना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में डेली फ्रूट्स खाने चाहिए, पर ध्यान रहे फ्रूट्स सीजनल हों और फ्रेश हों, साथ ही उसी जगह पैदा होने वाले हों जिससे कि उसमें पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव की मात्रा ना हो। फ्रूट्स को हमेशा अच्छी तरह धोकर ही खाएं और ट्राई करें कि जो फ्रूट्स छिलका सहित खाए जा सकते हैं, जैसे एप्पल, चीकू, उन्हें छिलका सहित ही खाएं। अब बात करते हैं फ्रूट्स खाने से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों के बारे में। कई बार पेशेंट आकर कहती हैं कि फ्रूट्स खाएंगे तो जुकाम हो जाएगा, खास तौर से केले खाने से, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुकाम केवल एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, किसी फल के खाने से नहीं। दूसरी जो कॉमन भ्रांति है वो है पपीता को लेकर, कि पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाएगा। कच्चे पपीते और उसके बीच में लैटेक्स नाम का केमिकल होता है जो कि अबॉर्टिफाइड होता है, पर कच्चा पपीता कोई नहीं खाता है। पके पपीते में ये केमिकल नहीं होता है, इसलिए पका पपीता कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बल्कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और पपीता खाने से कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। आप पपीते को छीलकर और उसके बीज पूरी तरह से निकाल कर खाएं। तीसरी जो फल से रिलेटेड भ्रांति है वो है पाइनएप्पल के बारे में। तो पाइनएप्पल में ब्रोमेलैनिन होता है जो कि सर्वाइकल डायलेट्रेशन में हेल्प करता है, इसलिए 9वें महीने में पाइनएप्पल खाने के लिए कहा जाता है। पर ऐसे कोई भी मेडिकल रिसर्च नहीं है जो यह प्रूफ कर सके, इसलिए कम क्वांटिटी में पाइनएप्पल खाया जा सकता है। पर हाँ, किसी किसी को पाइनएप्पल से फूड एलर्जी होती है, यदि ऐसा है तो फिर आप पाइनएप्पल ना खाएं। पर यदि प्रेगनेंसी के पहले आपको पाइनएप्पल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी तो आप आराम से पाइनएप्पल खा सकती हैं। चौथी जो भ्रांति सुनने में आती है वो है नारियल पानी और नारियल को लेकर, कि नारियल पानी पीने से बच्चे का सिर नारियल की तरह बड़ा हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोकोनट वाटर डिहाइड्रेशन तो दूर करता ही है, इसके अलावा इसमें सोडियम और पोटेशियम भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो प्रेगनेंसी में होने वाले लैग क्रैम्प्स में भी आराम देते हैं। नारियल के बारे में ये भी कहा जाता है कि नारियल खाने से बच्चा गोरा होगा, पर बेबी का कलर हेरिडिटरी रहता है, यह पेरेंट्स के कलर पर डिपेंड करता है। ना तो सफ़ेद नारियल खाने से गोरा बच्चा होता है और ना ही बैगन खाने से काला, इसलिए सभी फ्रूट्स खाएं पर मॉडरेट क्वांटिटी में। अधिकता तो हर चीज़ की बुरी होती है। अपने किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपकी एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ।